बीजेपी कार्य समिति का आज दूसरा दिन है। कार्य समिति में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश प्रभारी व विधायक और सांसद मौजूद रहे। आज कार्य समिति में राजनीतिक और धन्यवाद प्रस्ताव को भी लाया जाएगा। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं बीजेपी ने अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का संकल्प रखा है। दो दिवसीय कार्य समिति रही है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में सभी मंत्रीगण भी आमंत्रित है और संगठन के सभी पदाधिकारी आज आमंत्रित हैं और साथ साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सांसद भी आज आमंत्रित हैं। निश्चित रूप से कार्य समिति में सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पर धन्यवाद भी और उस पर आभार भी जो है वो दोनों चीज़ें कार्य समिति के प्रस्ताव में जो है आज सब लोग अपना समर्थन देंगे। इसके साथ धन्यवाद करने का प्रस्ताव है और उसके बाद चंपावत में जो प्रचंड जीत हमको मिली है उसके लिए चंपावत की जनता का धन्यवाद करना है। फिर 2024 का चुनाव है, उसकी पूरी बैठक है, उसके क्या यहाँ से कार्य होने हैं, क्या कैसे बूथों पे काम होगा उसके लिए यहाँ पर मुझे ज़रूर समीक्षा होगी। और माननीय मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर रहेगा। यही सारे काम हैं और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो चंपावत के अंदर हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, न भूतों न भविष्यति, उसका पीछे अगर कोई कारण है तो हमारा संगठन है, मजबूत संगठन है। जब कार में कि 17 दिन में चुनाव में था, सरकार हमारे संगठन के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी जो जिम्मेदारी थी, चाहे विधायक थे चाहे मंत्री थे, जिसको जिस मंडल में लगाया गया, जिस बूथ में लगाया वहाँ तक हमने काम किया और उसका परिणाम हुआ कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी हुई है। और अब आगामी 2024 को फोकस करके सारे कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं और जो मार्गदर्शन यहाँ पर नेतृत्व का मिलेगा उस मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज कार्य समिति के इस दूसरे दिन में 4 सत्रों में हमारी कार्य समिति संपन्न होगी। उद्घाटन सत्र होगा, समापन सत्र होगा, बीच में एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद मोदी सरकार के जो पखवाड़े में हम लोग आज 8 साल की उपलब्धि है उसके संबंध में एक सत्र होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो हमारा होगा वो 4 सत्रों में होगा, तो उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है।